हेलो गाइस, आज के टॉपिक में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, देखिए ना, अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इधर वाली डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। देखिए, इसमें एल्डिहाइड है, एल्कोहल है और ईथर है, और ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसकी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। एल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इससे कम एल्डिहाइड का होता है और सबसे कम कीटोन का होता है ग्रुप में, और ये तो हाइड्रोकार्बन ही एक गैस है और लोएस्ट में जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे लोएस्ट ये प्रोपेन हो गया, उसके बाद मिथॉक्सी मीथेन है, इथेनल है, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, और इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल में दोनों आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके आधार पे बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी हमारे इस कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कहते हैं। इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, तो सबसे लोएस्ट ब्यूटेनोन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो इसका जो रिएक्टिविटी है वो घटेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा हो रहा है। तो ये ब्यूटेनोन सबसे लोएस्ट हो गया। प्रोपेनोन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम है, इससे कुछ कम होगा, कम नहीं, इससे सॉरी इससे थोड़ा ज्यादा होगा रिएक्टिविटी। और ये प्रोपेनल एल्डिहाइड है, सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा इथेनॉल होगा, क्योंकि जब से नंबर ऑफ कार्बन कम किसमें है, इथेनॉल में, तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इथेनॉल में होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, एसिटोप्रोपेनोन सबसे लोएस्ट होगा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, सबसे लोएस्ट होगा एसिटोप्रोपेनोन, क्योंकि इसमें भी CH3 है और ये कीटोन भी ऐसे है, कीटोन लोएस्ट ही होता है। पैरा टोलल्डिहाइड, तो एक पर टोलविन है, दूसरे पे अल्डिहाइड है, तो इससे तो ये ज्यादा होगा ही होगा। बेंजल डिहाइड, इसमें केवल अल्डिहाइड है और बेंजीन है, इसमें एक टोलविन है इसलिए इससे कम है तो ये ज्यादा होगा। और पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, नाइट्रो भी माइनस आई है, अल्डिहाइड भी माइनस आई है, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने दिया है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन हम लोग करते रहे, जब जो टाइम मिले उसको देखते रहे, करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम अगले वीडियो में अगली टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय बाय।